क्यों? कैसे लगा? मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब सवाल यह उठता है कि तुम मेरे लिए क्या करोगे? बस एक बार तक्ष की शादी हो जाए, उसके बाद तुम भी खुश और मैं भी खुश। तक्ष पलक और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा, दम था तुम्हारे प्लान में। प्रांजल, हमारे प्लान को अंजाम तब मिलेगा जब पलक तुम्हारी बाहों में होगी। और वैसे भी तुम यहां टाइम क्यों वेस्ट करे? जाओ, अपने घर जाओ, वहां पलक तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यहां से ले चलो, मेरा यह दम घुट रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? तक्ष पहले से ऐसा ही था, लेकिन फिर से ऐसा, और केशवी के साथ, वो दोनों इन हालात में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पलक, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो इस बात की फिक्र है कि जब ईशान वापस आएगा और उसे ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके दिल पर। कुछ नहीं होगा प्रांजल, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। अब पलक, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्चाई तो हमेशा सबके सामने किसी दिन आ ही जाती है। किसी ना किसी दिन सबको ये बात पता ही चल जाएगी। प्लीज प्रांजल, मुझे यहां से लेकर चलो। ठीक है। केशवी यहां क्या कर रही है? और मैं कहां हूं? मैं यहां आया कैसे, और मुझे लाया कौन? ओह गॉड, कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मैं यहां आया कैसे। वो ड्रिंक पीने के बाद। गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ आया कैसे, और तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? अजीब, एक तो मुझे होटल में लाते हो, मेरे साथ रात गुजारते हो, और फिर सवेरे उठकर मुझसे ये सवाल पूछते हो कि मैं यहाँ कैसे आया। दक्ष, ये कैसी मोहब्बत है? ओह शट अप, अब मैं समझा, ये सब तुम्हारी चाल है मुझे पाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम मुझे कभी पा नहीं सकोगी, समझी? तक्ष, जब एक लड़का और एक लड़की, इनके बीच एक रात गुजर चुकी हो, तो उनके बीच एक रिश्ता अपने आप कायम हो जाता है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, मैं कपड़े बदल दूँ। दक्ष, तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि हमें किसी ने देखा नहीं है? जस्ट शट अप। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। दक्ष, मैं जानती हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, सबकी नजरों में तुमने ऐसा कर दिया है। अरे प्रांजल, बेटा पलक कहाँ है? नाश्ते के लिए नहीं आई? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है दादी। क्या हुआ उसे? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो थोड़ी सी उदास हो गई है, दक्ष को लेकर परेशान है, क्योंकि कल सारी रात वो घर नहीं आया था, इसलिए उसके बारे में ही सोचती रहती है। क्या, दक्ष कल रात को घर नहीं आया? आखिर वो चाहता क्या है?
लगता है फिर से वो पुराने रास्तों पर चलने लगा है। मुझे उम्मीद थी इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो बदल गया होगा, पर नहीं, वो जैसा था वैसा ही है। बेटा चंद्रकांत, मैं देख रहा हूं कि दक्ष आजकल अपने आप में ही रहता है। मुझे लगता है सीरियसली उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। अरे केशवी, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? दादी माँ, मैं मंदिर गई थी। वो हुआ यूं कि दक्ष मुझे रास्ते में मिल गया, इसलिए मैं दक्ष को साथ में लाई। पलक मुझे गुस्से से क्यों देख रही है? नाराज क्यों है मुझसे? अदक्ष शान, हाउ आर यू? हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक। क्या दादाजी, कैसे हैं आप? आओ बेटा। कैसे तुम केशवी? कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक दादी जी। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। चाचू कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक बेटा, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। पर ये क्या, ना फोन ना खबर। फोन कर देते तो गाड़ी भिजवा देते एयरपोर्ट पर। अच्छा बताओ, तुम्हारा वहां का काम खत्म हो गया? नहीं चाचू, थोड़ा काम बाकी है। आई विल बी गोइंग बैक। दक्ष से ईमेल मिला था मुझे, तो मुझे लगा मुझे आना चाहिए। और वैसे भी चाचू, मैं सोच रहा हूं कि इस बार जब मैं वापस जाऊं तो मैं केशवी को अपने साथ लेकर जाऊं। कैसी हो तुम केशवी? रियली मिस यू। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यू नो व्हाट, तुम वही अच्छे थे। पता नहीं वापस क्यों आ गए। कैसे हो तुम ईशान? अच्छा हूँ पलक। दक्ष का ईमेल पाकर और कैसे हो सकते हो तुम? दक्ष अब पहले जैसा नहीं रहा ईशान, बहुत बदल गया है। हाँ पलक, दक्ष वाकई में ही बदल गया। इनफैक्ट बहुत समझदार हो गया। इसका ईमेल जब मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। क्या बात है पलक, तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो? मुझे बताओ, आजकल मैं देख रहा हूं तुम काफी बदल चुकी हो। तुम्हारी नजरें बदल चुकी हैं। नजरें तो तुम्हारी बदल चुकी है, तुम बदल चुके हो। अगर मैं वो सब सोचती हूं तो यकीन नहीं होता। अगर वो सब मानती हूं तो दिल नहीं मानता। आखिर बात क्या है, साफ साफ मुझे बताओ। Are you behaving like this with me? अभी भी साफ साफ बताने की जरूरत है क्या? वैसे तुम्हें मेरा बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है ना, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें मेरा बर्ताव अच्छा लगे या बुरा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। मैं परेशान हूं, मैं बदल गई हूं या जो कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हक वही होता है जहां कोई रिश्ता होता है, और हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? मैंने किया क्या है पलक? तुमने क्या किया है? क्या किया है तुमने? जो किया है वो तुम जानो, लेकिन इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम में हर कोई नहीं आ सकता। ये पति और पत्नी की पर्सनल जगह होती है, समझे तुम? तुम प्लीज यहां से जाओ। पलक दक्ष से इस तरह से बात क्यों कर रही है?
क्या वजह हो सकती है? बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? बेटा अगर तुम अपनी दादी को अपने दिल की बात बताना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हालात को समझो, जो बीत गया है उसे बीत जाने दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं, इसीलिए एक सलाह दूंगी, तुम शादी कर लो बेटा। बेटा जिंदगी अकेले नहीं कटती, हर इंसान को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, अकेले कब तक जियोगे? बेटा इस बारे में सोचना जरूर। तुम्हारी दादी होने के नाते जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया, आगे अब तुम्हारी मर्जी। दादी बिल्कुल सही कह रही थी दक्ष, जिंदगी को खुशी से जीना चाहते हो तो शादी कर लो। और मैं जानता हूं जिस औरत से तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, वो एक शादीशुदा औरत है। प्रांजल चिल्लाओ मत, कल रात तुमने जो कुछ भी किया वो सब मैंने देखा और मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई बकवास नहीं है, ये सच है। और कल रात मैं ही आया था तुम्हें लेने के लिए, लगता है ये सारी बातें केशवी ने तुमसे पता ही नहीं है। और मैं अकेले नहीं आया था, मेरे साथ पलक भी आई थी। देखो मेरे भाई, तुमने अपनी हर हद पार कर दी, और जहां तक पलक का सवाल है तुम उसे कभी पा नहीं सकते, क्योंकि पलक अब तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्या बात है केशवी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा यहां आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है केशवी। मैं सोचकर यहां से गया था कि वक्त के साथ साथ हमारा रिश्ता भी बदल जाएगा, क्योंकि जब हम किसी रिश्ते को वक्त देते हैं ना तो वो वक्त हमें रिश्ता वापस देता है। इसीलिए मैं वापस आऊं केशवी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो केशवी, हम दो दिन में यूएस वापस चले जाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे। ईशान मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही। लेकिन क्यों केशवी? आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? अपनी पत्नी, तुम मेरी पत्नी हो केशवी, और तुम्हें अपने साथ रखना और तुम्हारे साथ रहना मेरा हक है। जानते भी हो एक पत्नी के सपने क्या होते, उस पर हक जताना क्या होता है, वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? तुम क्या कहना चाहती हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि बात क्या है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती, तुम ये सब। Listen, now why are we even discussing about this? देखो ईशान, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही, एम आई क्लियर? और वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो विल यू जस्ट लीव मी अलोन? दक्ष, तो ईशान को ईमेल तुमने किया, तुम क्या सोचते हो ईशान को यहां बुला लेने से तुम मुझसे दूर हो जाओगे? ये क्यों भूल रहे हो, ईशान तो पहले भी यहां था,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्ष, ईशान हमारे बीच कभी नहीं आ सकता, एस्पेशली कल रात जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। कल रात कुछ नहीं हुआ था। बार बार कल रात की बातें किया मत करो केशवी। तुम इसे मानते क्यों नहीं? नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि ये सच नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। सर, वेरी सर, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब वही होगा जो मैं चाहती हूं। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि इस खेल में मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ प्रांजल है। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यह झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं प्रांजल से बात करूंगा और इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। तो वही जगह है जहां मां ने मुझे कैद कर रखा था। प्रांजल के साथ